Good morning everyone. Continuing with the next topic techniques and methods used in the process of environmental and organizational scanning. जो टेक्निक्स हैं एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग की उनका मतलब है कौन से मेथड्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं मॉनिटर करने के लिए वेरियस सोर्सेज ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या सर्च करने के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या फोरकास्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है और वेरियस टेक्निक्स जो यूज होती हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग में वो हम इस टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला है टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरिंग दी पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड पब्लिश ऑफ इन्फॉर्मेशन जब आप मॉनिटर करते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पब्लिश होता है एक्सपर्ट टॉप एग्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे रेलिवेंट सोस इन्फॉर्मेशन के रेलिवेंट न्यूज पेपर्स को मैगजीस को गवर्नमेंट पब्लिकेशन को इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन को नेशनल पब्लिकेशंस को कि कहा पर आपके बिजनेस से रिलेटेड जो डाटा है वो पब्लिश होता है और कितनी वैलिडिटी है कितना रेलिवेंट वो डाटा है आपके लिए तो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे पब्लिश सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को रिलायबिलिटी क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की क्या ली गई हैं मेथड्स क्या यूज किए गए हैं डाटा कलेक्शन के लिए जो पब्लिश सोर्सेज हैं तो ये सब चीजें ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपको ध्यान में देना जरूरी है अगर जो इंफॉर्मेशन uh, है पब्लिश सोर्स में वो रिलायबल नहीं है जो एजाम्पन्स वो ले रहे हैं वो आपके जो एजाम्शन हैं उससे मैच नहीं करती हैं तो जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है जो पब्लिश्ड सोर्सेस में इंफॉर्मेशन है वो आप यूज नहीं कर सकते तो उस केस में आपको पूरा जो प्रोसेस है वो दोबारा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का करना पड़ेगा सिंपल सी चीज इतनी है कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा किन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है वो फैक्टर्स आपके जो नीड है उससे मैच करने चाहिए उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्राइमरी डाटा लेना है या सेकेंडरी डाटा लेना है द नेक्स्ट इज योर टेक्निक ऑफ सर्चिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के बाद सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे सर्च किया जाएगा पब्लिश सोर्सेज में सपोर्ट किया जाएगा उसे विद प्राइमरी एंड वोबल इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लिपिंग सर्विसेज लेती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो कॉन्स्टेंटली स्कैन करेंगे करती हैं न्यूज पेपर्स को पीरियडिकल्स को प्रिपेयर करती हैं क्लिपिंग्स जिसमें इंफॉर्मेशन होती है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और को चाहिए होती हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेश मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आ, का जो एक अलग से डिपार्टमेंट है वो बना के रखती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करती है सिस्टमेटिक गैदर करने के लिए प्रोसेस स्टोरिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए स्पाइंग भी वो यूज करती है द नेक्स्ट इज योर टेक्निक्स और मैथड्स क्या है के? करेंगे, रिसर्च करेंगे, को सर्च करेंगे और उससे आपको एक पिक्चर मिल जाती है कि क्या अब तक हुआ है और क्या कैसे हुआ है उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जब करनी होती है तो उसमें जरूरत होती है कि आप फ्यूचर जो है उसको फोरकास्ट करें तो फोरकास्टिंग एक एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का फोरकास्टिंग जो आप करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की वो हेल्प आपको करता है इन फॉर्मुलेटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फोकास्टिंग टेक्निक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोकास्टिंग कुछ माथड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव ओपिनियन माथड जैसे कि नेम से ही क्लियर है इस मैथड को हम एग्जीक्यूटिव जजमेंट मैथड या ज्यूरी मैथड भी कहते हैं इस मेथड में जो बिजनेस एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग है वो इस चीज के ऊपर बेस्ड होती है कि क्या ओपिनियन और व्यूज हैं टॉप एग्जेक के जो हायर पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे मार्केटिंग के प्रोडक्शन के रिसर्च के फाइनेंस के एक पैनल ज्यूरी कमेटी जो है वो फॉर्म की जाती है जिसमें जो टॉप एग्जेक्यूटिव है वो आपके मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर जो है वो एक एस्टीमेट देता है फ्यूचर इवेंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी अवेलेबल उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अपने ओन जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो इंडिविजुअल ओपिनियंस वो दे रहे हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है डिस्कस किया जाता है पैनल मीटिंग में एंड एट द एंड जो भी कलेक्टिव डिसीजन होगा उसे लिया जाता है बिजनेस फोकास्ट करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देन आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो टॉप एक्टिव हैं वो जो है कमिटी बना के ओपिनियंस uh, देते हैं जबकि जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है इस मेथड में जो बिजनेस फोरकास्ट है वो बेस्ड होता है ऑन द ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है तो जो ओपिनियन है आउटसाइड एक्सपर्ट्स का स्पेशलिस्ट का उसके बेसिस पे ये मेथड काम करता है यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स जिनके पास अच्छी नॉलेज है अबाउट द मार्केट कंडीशन टेस्ट प्रेफरेंसेस टारगेट कस्टमर के लेवल ऑफ कंपटीशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पॉलिटिकल कंडीशंस उनको आप इस मेथड में फॉलो करते हैं इस मेथड के अंदर जो पैनल है आउटसाइड एक्सपर्ट्स का वो फॉर्म किया जाता है एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देंगे उनके ओपिनियन को एनालाइज किया किया जाता 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 है 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 डिस्कस और कलेक्टिव डिसीजन लिया रिगार्डिंग बिजनेस फोरकास्ट देन आता है आपका डेल्फी मेथड डेल्फी मेथड भी जो फोरकास्टिंग का मेथड है इस ये एक्सटेंशन है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड का इसमें और जो हमने ऊपर दो मेथड्स पढ़े उसमें डिफरेंस क्या है इस मेथड में आप जो भी डिफरेंट एक्सपोर्ट से ओपिनियन लोगे उससे आप एक कॉमन एस्टीमेट पर पहुंचते हो इस माथा में कोई भी पैनल फॉर्म नहीं किया जाता आपने इंफॉर्मेशन ली जो भी आपको जिस भी चीज के रिगार्डिंग ओपिनियन लेना है आपने फर्स्ट एक्सपोर्ट को भेजा डाटा उसने जो भी वहां से अपना ओपिनियन निकाला अपना कंक्लूजन निकाला वो डाटा आप सेकेंड एक्सपर्ट को पास ऑन कर देंगे फिर जो सेकेंड एक्सपर्ट है बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाला है और जो उसको फैक्टर्स दिए गए थे उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन देगा सेकेंड ने अपना ओपिनियन दिया सेकंड के बाद उसे थर्ड पे भेजा जाएगा और ऐसे ऐसे करके जो नंबर ऑफ एक्सपोर्ट है उन्हें उस पर भेजा जाएगा तो डाटा जो है वो फिल्टर होता जाता है तो जो लास्ट एक्सपर्ट जिसके पास आपको भेजा जाता है वो फाइनल जो है, अपना आपको बताता है तो यहाँ पर कोई कलेक्टिव मीटिंग्स पर जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं जैसे सपोज हमने कहा स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है या आपका जेडीपी कितना है या आपकी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है या आपकी पर कैपिटा इनकम का रेट क्या चल रहा है या आपका नेशनल इनकम कितनी चल रही है आ, या आपका लोन का बेस, बेस रेट कितना चल रहा है या आपका रेपो रेट कितना चल रहा है रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है तो ये वेरियस बे, इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर जो है फोकास्ट किया जाता है थोड़ा एनालिसिस करने के बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का फोकास्ट किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर लिबरल लोन पॉलिसी फार्मर्स के लिए अनाउंस की है तो ये कॉन्फ्यूशन निकाल सकते हैं कि जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी सेल्स जो है वो हाई होगी क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो इजिली लोन लेकर ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं सेम तरीके से अगर गवर्नमेंट कंपलसरी uh, uh, कर देती है कि हेलमेट कंपलसरी है अगर कोई बाइक uh, चला रहा है ड्राइवर uh, के लिए तो है और जो पीछे पिलियन राइडर उसने बैठाया है उसके लिए भी है तो जो हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपनी सेल्स उसके बेसिस है मैथड एज्यूम करता है कि जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनका इम्पेक्ट फ्यूचर में होगा तो इस मेथड में जो भी रिजल्ट्स हैं इमीडिएट प्रीवियस ईयर के या एवरेज आप ले लेते हो पास्ट फ्यू इयर्स का उसे हम बेस मानते हैं एस्टीमेट्स उस बेसिस पर फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं जो ज्यादा रिलायबल समझे जाते हैं और फ्री फ्रॉम गेस वर्क होते हैं लेकिन अगर कोई मेजर चेंज हुआ है इन दी कंपोनेंट्स ऑफ करंट बिजनेस एनवायरमेंट तो जो इस मेथड से आप फोरकास्ट कर रहे है हैं वो यूजफुल नहीं होता है देन है आपके पास स्टेटस्टिकल मैथड सर्वे ओपिनियन बेस्ड मेथड ये कुछ आपके स्टेटिस्टिकल मैथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन्वाटल फोकास्टिंग में ये जो मैथड्स हैं ज्यादा साइंटिफिक हैं एस्टिमेट्स आप इन मैथड से बना सकते हैं और जो एस्टिमेट्स बनेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा स्टेटिस्टिकल मैथड्स में जो सब्जेक्टिविटी है वो कम होती है तो जो कॉमन स्टेटिस्टिकल मैथड्स यूज होते हैं दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन इस ये मेथड बेस्ड होता है टाइम सीरीज एनालिसिस पर इस मेथड में आप ट्रेंड इक्वेशन बनाते हैं देन ट्रेंड लाइन बनाते हैं कीपिंग इन व्यू दी जो पास्ट बिहेवियर रहा है डाटा का और उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर पीरियड को देन नेक्स्ट आता है रिग्रेशन एनालिसिस इसमें आप सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं उनको यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू को वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑन द बेसिस ऑफ जो गिवन वेल्यू होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स की देन आता है आपका सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड भी एक पॉपुलर मेथड है फोरकास्टिंग का uh, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्रिसाइज फोरकास्ट कर सको फ्यूचर का तो जब हम सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड करते हैं तो हम तीन चीजें लेके चलते हैं कि अगर जो सिनेरियो है मतलब जो कंडीशंस हैं फ्यूचर में वो वर्स्ट कंडीशंस रही तो क्या होगा बेस्ट कंडीशंस रही तो क्या होगा या मोस्ट लाइकली कंडीशंस रही तो सिनेरियो कैसा होगा तो जब भी हम फोरकास्ट करते हैं तो हम इन तीनों बेसिस पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने अगर नीति आयोग की जो प्ला, आ, प्लानिंग कमीशन है नीति आयोग जो है उसको आपने देखा होगा जब भी वो जीडीपी के लिए ग्रोथ एस्टिमेट्स देता है तो वो तीन सिचुएशंस के अंदर देता है कि अगर पेसिमिस्टिक या वर्स्ट कंडीशन रही अगर ऑप्टिमिस्टिक या मोस्ट फेवरेबल कंडीशन रही या मोस्ट लाइसली कंडीशन रही तो जो जेडीपी है उसका ग्रोथ एस्टिमेट कितना है देन नेक्स्ट इज योर ब्रेन स्ट्रामिंग मैथड ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक टेक्निक है जो आप यूज करते हो नए इनोवेटिव आइडियाज को फोरकास्ट को जनरेट करने के लिए इस मेथड में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो नए आइडियाज लेके आए डिस्कस कर किया जाता है उनको और उसके बेसिस पे फोकास्ट किया जाता है और इस मेथड में कोई भी एक प्रॉब्लम है आप किसी एक ग्रुप को असाइन कर देते हो और वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि आप जनरेट कीजिए न्यू आइडियाज क्रिएटिव थिंकिंग करके और वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आइडियाज जो है वो जनरेट कीजिए आप जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और और इस स्टेज में जो आइडिया जनरेशन है उन आइडियाज को इवेलुएटेड नहीं किया जाता इवेलुएट नहीं किया जाता मेंबर्स को फ्री छोड़ा जाता है कि आपको जो नया आइडिया लगता है वो आप जनरेट कीजिए और उसके बाद जब आइडियाज जनरेट हो जाते हैं उसके बाद हर एक आइडिया को इवेलुएट किया जाएगा क्रिटिकली इवेलुएट किया जाएगा कि क्या उसके पॉजिटिव निकलते हैं क्या उसके नेगेटिव निकलते हैं जो आइडियाज हैं वो फिजिबल हैं या नहीं है वो ऑन फ्लोर जा सकते हैं या नहीं जा सकते है. कि उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है देन नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस बैरोमीटर मैथड ये मैथड आप यूज करते हैं फोरकास्ट करने के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंडेक्स नंबर्स आप इसके लिए यूज करते हैं बिजनेस बैरोमीटर्स की तरीके से आप इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हैं मेजर करने के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड्स को तो जो इंडेक्स नंबर है वो आप को हेल्प करते हैं एनालाइज करने में जो भी आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं सीजनल फ्लक्चुएशन है साइक्लिकल मूवमेंट जो इकोनॉमी में हो रही हैं तो जो इंडेक्स नंबर है मेजर करते हैं ग्रोथ रेट को और डायरेक्शन बताते हैं आपको जहां पे इकोनॉमी मूव कर रही है तो ये वेरियस मैथड हैं जो आप यूज करते हैं एनवायरमेंटल फोकास्टिंग के लिए देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन असेसमेंट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच